सैमसंग फीचर फोन मेट्रो 313, गुरु म्यूजिक 2, सैमसंग गुरु FM प्लस जैसे फीचर फोन इंडिया में अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों आखिर सैमसंग स्टॉप्स टू सेलिंग फीचर फोन इन इंडिया, चलिए इस वीडियो में पता करते हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव होगा, रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो के साथ अपन तक जुड़े। इस चैनल पर अगर नए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है। तो अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, साउथ कोरियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर सैमसंग इंडिया में फीचर फोन नहीं लॉन्च करेगा, ये ऑफिशियली कंफर्म भी कर चुका है। तो कॉज ऑफ द डिसीजन सिंपल है दोस्तों, इंडिया में सैमसंग फीचर फोन अब नहीं सेल हो रहा है। 39% तक सेल डिक्लाइन यहां देखा गया है, जो कि रिपोर्ट है दोस्तों फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 का। तो इंडियन मार्केट में सैमसंग फीचर फोन का सेल घटना, उसी के साथ साथ सैमसंग चाह रहा है मिड रेंज और जो बजट एंड्रॉइड स्मार्टफोन होते हैं उसके ऊपर कंसेंट्रेट करना। फिलहाल ये दो कॉज की वजह से ही दोस्तों सैमसंग फीचर फोन मेट्रो 313, उसी के साथ साथ गुरु म्यूजिक 2 और सैमसंग गुरु FM प्लस जैसे फीचर फोन आपको इंडिया मार्केट में नहीं मिलेगा। और एक कॉज जो मुझे लगता है दोस्तों, सैमसंग HMD नोकिया या आइटेल की तरह दोस्तों टारगेट नहीं कर रहा है 4G फीचर फोन के ऊपर। अगर सैमसंग कोशिश करता इंडिया में 4G फीचर फोन लाने का, तो दोस्तों शायद इंडियन फीचर फोन मार्केट में भी सर्वाइव कर पाता। हालांकि दोस्तों और एक बैच सैमसंग फीचर फोन आपको इंडिया में लॉन्च होता हुआ मिलेगा, जो कि पुराना वेरिएंट ही होगा। लेकिन दोस्तों सैमसंग ये खुद प्रोड्यूस नहीं करने वाले है, पार्टनर डिक्सॉन को यूज करेगा नेक्स्ट बैच ऑफ सैमसंग फीचर फोन लॉन्च करने के लिए। तो ये सभी थे दोस्तों ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, सैमसंग क्यों स्टॉप कर रहा है इंडिया में अपने फीचर फोन सेल। तो होप दोस्तों ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर है तो दोस्तों ये वीडियो किसी सोशल प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बहुत हो गया बकबक, वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेशन लेके।